महिला कल्याण समिति ने नववर्ष आगमन की खुशी में डिप्टीगंज में मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन किया। सामुदायिक भावनाओं के साथ सभी सदस्यों ने कार्यक्रमों में आनंद का अनुभव किया। सपना चतुर्वेदी व राखी ने सरप्राइज गेम कराकर सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया। महिलाओं ने भी उत्साह व खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर राखी चतुर्वेदी ने चेयर गेम आयोजित कर सभी को जागरूक किया। चेयर गेम में रीता गुप्ता, आशा चोपड़ा, अवनी गुप्ता, मनोरमा गुप्ता, नीरू अग्रवाल, तम्बालो भी लुत्फ उठाया। नीरू मल्होत्रा, उत्सव केशव श्रिया ने नृत्य किया। साथ ही पूनम गुप्ता ने नववर्ष पर कविता पढ़कर सुनाई। मनोरमा गुप्ता ने संचालन के साथ ही सभी को सुखद समृद्ध सफल जीवन की कामना की। साथ ही समाज नगर व राष्ट्र की समृद्धि व सुख शांति की परमपिता से प्रार्थना की। तुम बहुत मोबाइल चला रही हो, तभी इतना गंदा खाना बना रही हो। उसने क्या तमीज से खाओ, पहला नहीं खाया तमीज से खाओ। आप इतनी देर से मैं देख रही हूँ, आप पानी बटो मैम। क्या नाम है आपका? मैं मनोरमा गुप्ता हूँ, महिला कल्याण समिति की प्रेसिडेंट हूँ। मैम क्या प्रोग्राम चल रहा है आपका? ये अब हमारा पुराना वर्ष जा रहा है, विदाई हम दे रहे हैं और नव वर्ष की खुशी में ही ये महिलाएं आपस में मिलकर मस्ती कर रही हैं। नव वर्ष के आगमन में अपनी खुशी का इजहार कर रही हैं और ये कामना कर रही हैं कि पूरा वर्ष सभी के लिए, समाज, देश, महानगर के लिए ये खुशहाली का हो और सभी सुखी समृद्ध हों और हम सब एक एकता की भावना के साथ आगे बढ़ते रहें। हमारी महिलाएं जागरूक हों और महिलाओं पर किसी प्रकार की अत्याचार ना हो, ये हमारी कामना है। और नव वर्ष के आने की खुशी में आज सभी लोग कोई कविता, कोई गजल, कोई नृत्य, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता और ये चेयर रेस और विभिन्न ये सरप्राइज गेम्स अभी खेलेंगी, तंबोला, ये सब के साथ आनंद में होकर नव वर्ष की खुशी मना रही है। इस प्रोग्राम में किस किस का सहयोग रहा आपके साथ? हमारे साथ तो सभी हमारी बहनें बहुत कर्मठ हैं। ये श्रीमती पूनम गुप्ता हैं, आप नीरू मल्होत्रा हैं हमारी और सभी पदाधिकारी हैं। आज की अध्यक्षता गायत्री चतुर्वेदी जी कर रही हैं, आप हैं, आप शोभना गुप्ता की एक्टिव हैं, ये नीरू अग्रवाल हैं, ये नीरू रस्तोगी कॉलेज में भी हैं ये लोग, और एक्स्ट्रा एक्टिविटी ये रिचा पाल हैं हमारे, रीता गुप्ता हैं, मधु गुप्ता हैं, ये हमारी कोषाध्यक्ष बीना जैन जी हैं और राखी और श्रीमती सपना चतुर्वेदी अभी गेम्स कराएंगी हमें। तो इस तरह अभी और आने वाली महिलाएं हैं, इंतजार ही हो रहा है। वही ये 3 बजे का टाइम दिया है, लोग समझते हैं हम 4 बजे पहुंच जाएं, तो वो इस तरह से अभी कई महिलाएं और आनी हैं, तो हम सब खुशी का इजहार कर रहे हैं। जैसे कि हम महिला कल्याण समिति की प्रेसिडेंट है, तो महिलाओं के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? हम महिलाओं के लिए संदेश यही दे रहे हैं कि आप मन में किसी प्रकार का मन मुटाव ना रखें और शांति से काम लें, परिवार में भी सहनशीलता भी हो, सहनशीलता हो, लेकिन अन्याय के प्रति लड़ने की भावना भी हो, अन्याय को सहन ना करें। ये हम महिलाओं के साथ हमारी गोष्ठियाँ होती हैं, महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम होता है, उसमें हम महिलाओं से यही अपेक्षा करती हैं और उनको जागरूक करने पर बल दिया जाता है। बहुत सी महिलाओं के केसेस हमें निपटाए हैं आपस में, घरेलू महिलाओं के, तो इस तरह से और भी किसी तरह की कहीं महिला को सताई जा रही है या पीड़ित है तो मदद करने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं।